यूक्रेन युद्ध पर बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। यूक्रेन की सेना पूरी ताकत के साथ काउंटर अटैक में लगी है। यूक्रेन ने दावा यह किया है कि उसने अब कई इलाकों पर कब्जे की रणनीति अपना ली है। इसके साथ ही रूस की सेना का कब्जा भी लगातार जारी है। ज़ापोरिज़्या के पास एक इलाका है जहां पर कब्जा किया गया है। इसके साथ ही ज़ापोरिज़्या इलाके में मिली जीत को यूक्रेन बहुत बड़ी जीत करार दे रहा है। ज़ापोरिज़्या इलाके में यूक्रेन को मिली जीत इसलिए भी ज्यादा बड़ी हो जाती है क्योंकि ज़ापोरिज़्या में यूरोप का सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट है और इस न्यूक्लियर पावर प्लांट पर रूस का कब्जा है। वहीं रूस ने बेलारूस में परमाणु हथियार उतार दिया है। वहीं नाटो रूस के परमाणु युद्ध के काट खोजने में लगा हुआ है। पुतिन का बढ़ा परमाणु फीवर, नेटो कैंप में फैला फियर। पुतिन के परमाणु बुखार को तोड़ने के लिए क्या करेगा नेटो? कैसे टूटेगा पुतिन का परमाणु बुखार? क्या रूस के खिलाफ अमेरिका लेने वाला है न्यूक्लियर एक्शन? ये सवाल इसलिए खड़े हो गए हैं क्योंकि रूस ने ले लिया है सबसे बड़ा रिस्क। तीसरे विश्व युद्ध को कर दिया है फिक्स। तैयारी देख पेंटागन हुआ परेशान, ब्रिटेन हुआ हैरान। नेटो देशों में खलबली, दुनिया परमाणु युद्ध के खौफ से डरी। अब मुश्किल है पुतिन को मनाना, बन गया नया ठिकाना, शुरू हुआ परमाणु बम को लगाना। बेलारूस पहुंच गया एटम बम, परमाणु बम के नए सेंटर से नेटो हुआ बेदम। их много, я потом вам скажу этих об этих соображениях. Да, вам скажу пока, не публично. Вот. Но такая возможность есть, все это понимают. Все просто ждут, что мы начнем кнопки нажимать. Но нет такой необходимости. Кя тисре вишо юдх ка эпи сенчар Беларусь падне вала хэ? Кя Рус ор НАТО ке бич юдх Беларусь ки дхарти пар хоне вала хэ? क्या महीनों से परमाणु हथियारों की धमकी देते आ रहे पुतिन अब वाकई उन्हें चलाने के मूड में लग रहे हैं? रूस ने यूक्रेन के उत्तर में बेलारूस में परमाणु हथियार उतार दिया है। रूस परमाणु हथियारों के सबसे बड़े जखीरे के साथ यूक्रेन के पूर्व में खुद बैठा है। वहीं यूक्रेन के दक्षिण में काला सागर में भी पुतिन की परमाणु पनडुब्बियां तैनात हैं। वहीं इसके उत्तर पश्चिम में पोलैंड के पास रूस के कलिनग्राद में भी परमाणु हथियार मौजूद हैं। उन्नीस सौ इक्यानवे में सोवियत संघ के पतन के बाद ऐसा पहली बार हुआ है जब रूस का परमाणु बम रूस से बाहर पहुंचा है। ऐसा पहली बार है जब दुनिया भर में सबसे अधिक परमाणु बम रखने वाले देश ने अपने बॉर्डर के बाहर परमाणु हथियारों की तैनाती की है। बेलारूस में रूस की मिसाइलें तनी हुई हैं। बेलारूस में रूस के लड़ाकू विमान गरज रहे हैं। बेलारूस में रूस के टैंक दौड़ रहे हैं। बेलारूस में रूस के सैनिक मोर्चा बनाकर डटे हुए हैं। बेलारूस में रूसी मिसाइलों की तैनाती से नेटो में पहले से ही खलबली मची थी। अब बेलारूस में रूस के परमाणु हथियार भी फिट हो गए हैं।
बेलारूस में परमाणु बम फिट करने के कदम को नेटो देश क्यों पुतिन का परमाणु फीवर करार दे रहे हैं, इसे आगे बताएंगे। लेकिन उसके पहले ये देख लीजिए कि रूस की किस परमाणु तैयारी ने नेटो को डरा रखा है। एक, दो, तीन, चार, चालीस सेकंड में चार हमले, चारों दिशाओं में चार ठिकाने दहले। पुतिन हुए क्रुद्ध, समंदर में रूस का परमाणु युद्ध, नेटो हुआ हलकान, अमेरिका परेशान, ब्रिटेन का मिट सकता है नामो निशान। दिन में समंदर के अंदर से परमाणु हमला, रात के अंधेरे में समंदर से परमाणु हमला, यह रूस का परमाणु युद्धाभ्यास है, यह नेटो को डराने का पुतिन का प्रयास है। ज़ेलेंस्की इसे देख हताश है, बाल्टिक देश अनहोनी के खतरे से उदास है। आखिर रूस के इस परमाणु युद्धाभ्यास में क्या खास है? इस युद्धाभ्यास को रूस अपने लड़ाकों क्षमता का विस्तार करार दिया है। इस युद्धाभ्यास में रूस के उत्तरी बेड़े के पनडुब्बी रोधी युद्ध जहाजों ने हिस्सा लिया। न सिर्फ हिस्सा लिया बल्कि एक काल्पनिक दुश्मन की पनडुब्बियों को समंदर के अंदर ही डुबो दिया। पहला हमला, दूसरा हमला, तीसरा हमला, चौथा हमला, पांचवा हमला। ये हमले तो कुछ भी नहीं है, रूस के युद्धपोतों ने जलजला ला दिया है। रूस समंदर को न्यूक्लियर वॉर का एपी सेंटर बनाने की तैयारी में है। समंदर में परमाणु बम का जाल बिछाकर रूस नेटो को निशाना बनाने की तैयारी में है। रूस ने अपनी नौसेना के चारों बेड़ों को हाई अलर्ट पर रख दिया है। रूस के चारों बेड़े के युद्धपोत मोर्चा पर डटे, हाई अलर्ट पर रूस की परमाणु पनडुब्बियां, समंदर में न्यूक्लियर बॉम्बर की गर्जना, समंदर के रास्ते परमाणु बम गिराने का अभ्यास। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने उत्तरी बेड़े को सुपर अलर्ट मोड में रखा है। पैसिफिक फ्लीट को सटीक परमाणु हमलों के लिए अपनी तैयारियों को परखने का काम सौंपा है। उत्तर और प्रशांत के बेड़े की मारक क्षमता को सोवियत दौर से ही जवाबी हमलों में मॉस्को के मुख्य हथियार के रूप में देखा गया है। इस बेड़े का इस्तेमाल रूस जवाबी हमले के लिए करता आया है। रूस की नौसेना काला सागर में यूक्रेन पर नजर गड़ाए हुए है। हाल ही में नेटो में शामिल हुए फिनलैंड के रास्ते आने वाले खतरों से निपटने के लिए रूस के युद्धपोत बाल्टिक सागर में डटे हुए हैं। नेटो की हरकतों का जवाब देने के लिए रूस ने अपनी नेवी को आर्कटिक सागर में भी उतार रखा है। रूस का प्रशांत बेड़ा भी रूस के पूर्वी किनारे पर प्रशांत महासागर में सुपर एक्टिव है। बड़ा सवाल है कि पूरब से लेकर पश्चिम तक और उत्तर से लेकर दक्षिण तक अपनी नौसेना को अलर्ट मोड मिलाकर रूस क्या संदेश देना चाहता है? खासकर उत्तर में अपने युद्धपोतों से मिसाइल बरसाकर क्या रूस अमेरिका को चेतावनी देने की कोशिश में है? यही वजह है कि प्रशांत बेड़े के साथ साथ रूस का उत्तरी बेड़ा भी सुपर एक्टिव है। टैक्टिकल न्यूक्लियर हथियारों से लैस युद्धपोत और पनडुब्बियों को रूस ने आर्कटिक सागर और बाल्टिक सागर में एक साथ उतार दिया है। आर्कटिक सागर और बाल्टिक सागर में टैक्टिकल न्यूक्लियर हथियारों की मौजूदगी को नेटो देशों के लिए एक गंभीर खतरा बताया गया है।
डेनमार्क, स्वीडन, फिनलैंड, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, पोलैंड और जर्मनी की सीमा बाल्टिक सागर से जुड़ी हुई है। वहीं आर्कटिक सागर में परमाणु हथियारों से लैस युद्धपोत और पनडुब्बियों से सीधा खतरा नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड और अमेरिका तक को है। दावा किया गया है कि रूस की नौसेना ने अपने युद्धपोत एडमिरल गोर्शको को परमाणु हथियारों से लैस करके आर्कटिक सागर में उतार दिया है। दरअसल आर्कटिक क्षेत्र की जिम्मेदारी रूस के उत्तरी बेड़े के पास है। नॉर्वे की खुफिया एजेंसी का दावा है कि रूस ने परमाणु युद्ध के सीक्रेट प्लान को समंदर में आगे बढ़ा दिया है। नॉर्वे की इंटेलिजेंस सर्विस ने अपनी सालाना खुफिया रिपोर्ट में कहा है कि रूस की नौसेना के उत्तरी बेड़े में युद्धपोतों को टैक्टिकल न्यूक्लियर हथियारों से लैस किया गया है। रिपोर्ट में जहाजों पर लगाए गए परमाणु हथियारों के बारे में बताया गया है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि 30 साल में यह पहली बार है जब रूस का बेड़ा परमाणु हथियारों के साथ समंदर में उतरा है। अमेरिका और रूस की बरसों पुरानी जानी दुश्मनी को यूक्रेन युद्ध ने नई धार दे दी है। रही सही कसर फिनलैंड को नेटो में मिलाकर अमेरिका ने पूरा कर दिया। यही वजह है कि रूस ने आर्कटिक सागर के साथ साथ अमेरिका के वर्चस्व वाले प्रशांत महासागर में शक्ति प्रदर्शन पर उतर आया है। रूस के प्रशांत बेड़े में 46 युद्धपोत हैं। प्रशांत बेड़े में युद्धपोतों में एंटी सबमरीन मिसाइल शिप भी हैं और एम्फीबियस युद्धपोत भी। साथ ही साथ रूस के प्रशांत बेड़े में 24 से 26 पनडुब्बियां हैं। प्रशांत बेड़े के युद्धाभ्यास का मकसद दुश्मन के मिसाइल और हवाई हमलों से रूस को सुरक्षित करना है, जिसके लिए रूस की नेवी दुश्मन की पनडुब्बियों को पता लगाकर उन्हें समंदर के अंदर ही तबाह करने का युद्धाभ्यास कर रही है। फेडरेशन ऑफ अमेरिकन साइंटिस्ट की एक हालिया रिपोर्ट बताती है कि फिनलैंड के पास मौजूद कोला प्रायद्वीप में भी रूस ने पनडुब्बियों पर तैनात 350 परमाणु बम लगा रखे हैं। सभी परमाणु बम 150 किलोटन की ताकत के हैं। यानी कोला प्रायद्वीप में मौजूद रूस के एक परमाणु बम हिरोशिमा पर गिरे बम से 10 गुना अधिक शक्तिशाली है। फिनलैंड के नेटो में शामिल होने के बाद अब दावा किया जा रहा है कि पुतिन ने नेटो से भिड़ने की पूरी तैयारी कर ली है। कोला प्रायद्वीप में रूस ने बड़े पैमाने पर परमाणु हथियार जमा कर रखे हैं। कोला प्रायद्वीप का एक छोटा सा इलाका रूस की परमाणु मिसाइल से लैस सबमरीन का पावरफुल सेंटर है। यहीं से आर्कटिक की गश्त भी की जाती है। रूस की ये तैयारियां बता रही हैं कि यूक्रेन युद्ध अभी खत्म भी नहीं हुआ। रूस को मनमाफिक जीत भी नहीं मिली। उससे पहले ही पुतिन युद्ध के कई मोर्चे एक साथ खोलने की तैयारी में हैं। रूस बेलारूस की सेना को इस्कंदर बैलिस्टिक मिसाइल की ट्रेनिंग दे चुका है। इस ट्रेनिंग का मतलब है कि बेलारूस के सैनिक पुतिन के परमाणु मिसाइल को फायर करना सीख गए हैं और अब रूस का परमाणु बम ही बेलारूस पहुंच गया है। अब ऐसे में ऑर्डर पुतिन का होगा या फिर बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको का, ये बड़ा सवाल है। लेकिन अगर मिसाइल बेलारूस में है तो इस पर लुकाशेंको के ऑर्डर से कौन इनकार करेगा।